हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द केसी ब्लॉग, वेलकम बैक टू द चैनल। यहाँ देख सकते हो निंजा 300 खड़ी है, 2024 मॉडल, और यहाँ पे खड़ी है आपकी RC 390 ओल्डर वर्जन, जिसकी पावर आपको मिलती है 43 point something PS पावर एंड 37 Nm का टॉर्क। यहाँ पे जो है 39 PS की पावर है और 26 Nm का टॉर्क है। ये डुअल सिलेंडर है, सिंगल सिलेंडर है, तो दोनों का जो CC है ना, बहुत अंतर है, क्योंकि सिंगल सिलेंडर में 390 CC है, 370 something, एंड ये जो है 300 CC की है। तो दोनों का क्या रिजल्ट होने वाला है वो देखेंगे, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा सिलेंडर लगा हुआ है। तो ये देखेंगे हम इस रोड पर ड्रैग करके शैडो बाइक के साथ में। शैडो बाइक का जो वेट है मेरे से 15 kg कम है, जिसका एडवांटेज वो फुली लेने वाले हैं, लेकिन हम भी पूरी फुली टक्कर देने वाले हैं इनको निंजा से। देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। सीधे मिलते हैं ड्रैग में बिना किसी देरी के, और आपको दिखाते हैं एक बढ़िया रोमांचक परफॉर्मेंस। तो चलिए भाई, हम चलाएंगे निंजा, क्योंकि निंजा अपन लेके आए हैं। तो पहले हम निंजा को ही ट्राई कर लेते हैं, है ना। इनको हमने दे दिया है RC, फिलहाल निंजा को फुल पावर भगाना है अपने को, और दिखाना है लाजवाब मतलब परफॉर्मेंस आप लोग को। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि भाई ओल्डर वर्जन RC ना थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल है। लेट्स सी क्या रिजल्ट होगा। ओ भाई साहब, आज बताएंगे भाई RC को, बजा देंगे RC की। इनिशियल में थोड़ा सा मेरे से लॉन्चिंग लेट हुई, तो निंजा 300 आगे निकली है। अब देखते हैं क्या रहता रिजल्ट। अरे निंजा बजाएगी बैंड, गाड़ी यार मेरे सामने आ गई। अरे भाई भाई यार, RC की बैंड बजाएगी तगड़ी वाली। बहुत गलत हो गया यार मेरे साथ बहुत गलत हो गया भाई। अंकल भाग रही है भाई, क्या जवाब कहते बोला, कितने पीछे है मुझे कुछ भी नहीं पता है। 181 पे हूँ मैं, बहुत पीछे है मेरे भाई की लग गई वाट, RC की लग गई वाट। पेला है, मजेदार पेला है, जो भी पेला है। अरे क्या हुआ चाचा, अरे अब तो बोलोगे ही, उधर पहले डिजायर चल रहा है, इधर जो एक और बलेनो वाले ने पकड़ लिया। ये तो बोलोगे ही भाई, यही तो होता है स्केल। अरे सोचने में चले गए तुम। ओ भाई साहब, तुम्हारी सोचने में तुम्हारी पूरी वो चली गई। तो भाई अभी आप लोगों ने रिजल्ट देखा, जो भागी है ना निंजा, गजब भागी है। अभी इनको हम हराएंगे इससे भी, देखिए अभी आप देखते जाइए बस। KTM से भी हराते हैं मेरे को, KTM भागेगी तगड़ी, क्योंकि भाई इसका जो पिकअप है ना बहुत तगड़ा है। निकल गए भाई, ये तो निंजा पावर बोलते हैं इसको। परफेक्ट शिफ्ट, बहुत तेजी से निकल गई निंजा भाई। ये रही एक और बार, आप देखो पावर दिखाते हैं भाई RC को। पावर है कुछ भी कहो भाई, मगर टक्कर दे रही है, लेकिन RC भी बहुत ज्यादा आगे नहीं है। निंजा का स्पीड बहुत ज्यादा भाई RC से, RC काफी रॉ लगती है। और ये क्या रिफाइन इंजन है भाई, ये 175 176
तुरंत रोक देते हैं ये। अभी मैं यहीं निकल जाता, पता है आप लोग को, ये जस्ट पीछे था मैं, लेकिन स्टिल आरसी पीछे है भाई। जस्ट तुम्हारे पीछे थे, जैसे ही आने लगती है मोड़ तुम्हारी फट जाती है, तुम गाड़ी स्लो कर देते हो। भाई मोड़ आई, तुमने तुरंत गाड़ी स्लो कर दी। तो भाई इन्होंने गाड़ी पहले रोक दी, मैं निकल जाता ये मोड़ पे, वैसे में मैं निकल जाता, इनकी दग जाती है फिलहाल। तो अब यही कहना था, अभी आप लोगों ने रिजल्ट देख लिया, स्टिल निंजा फास्ट है, इनिशियल भी बोलो, अगर इसका टॉप एंड भी बोलो, इनिशियल भी बढ़िया है, टक्कर देने वाला है और टॉप एंड भी तगड़ा है। आरसी का इनिशियल अच्छा है, लेकिन मेरे वेट ज़्यादा भारी हो गया तो थोड़ा सा मुझे डिसएडवांटेज मिला, बट स्टिल निंजा एक नंबर है, कम पावर होने के बाद भी बहुत तगड़ी भाग रही है। फिलहाल ये वीडियो थी, होप करता हूँ अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय। We'll be right back.